हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ब्यूटी टिप्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो है सन टैन के ऊपर। जी फ्रेंड्स, अगर हमारे फेस पे टैनिंग हो जाए या हमारी गर्दन पर टैनिंग हो जाए या हमारे हैंड पे या फिर पैरों पर टैनिंग हो जाए तो हमारा फेस या हैंड या गर्दन हमारे पैर काफ़ी बेकार लगते हैं, वो बिल्कुल अलग ही नज़र आते हैं काले से, बिल्कुल भद्दे से। तो उन्हें हम होम रेमेडी के जरिए कैसे दूर कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किचन में अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है शुगर पाउडर 1 चम्मच। जो किचन में चीनी इस्तेमाल होती है वो मैंने ग्राइंडर की मदद से पीस ली थी, उसके बाद मैंने उसकी 1 चम्मच इसमें ली है। दूसरी चीज हमें चाहिए इसमें बेसन। मैं इसमें 1/2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करूंगी। और तीसरी चीज मुझे चाहिए यहाँ पे कॉफी। आप किसी भी कंपनी की कॉफी ले सकते हैं, नेस्कैफे की ले सकते हैं या फिर ब्रू की भी ले सकते हैं या फिर और कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 रुपए वाला पैकेट लिया है, आप देख सकते हैं। ये पैकेट मैं पूरा ले लूंगी। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बनानी है, आपको अपने फेस पे भी करनी है, पैरों पे भी करनी है, हाथों पे भी करनी है, गर्दन पे भी करनी है, तो आप इसकी डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने हैंड के लिए और फेस के लिए बना रही हूँ तो मैं आपको इसी क्वांटिटी के हिसाब से बता रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीसलीन। एक चम्मच ग्रिसलीन। और अब डालूंगी इसमें मैं रोज वाटर। रोज वाटर मुझे डालना है इसमें, जब तक ये अच्छे से पैक नहीं बन जाता मुझे उतना इसमें रोज वाटर डालना है। 2 चम्मच भी डल सकता है, 3 चम्मच भी डल सकता है इसमें। एक तो अभी फिलहाल मैंने 2 चम्मच डाले हैं, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके देखूंगी। दो चम्मच में ही मेरा इसका अच्छा खासा पेस्ट बन चुका है, ना ये पतला है ना ये गाढ़ा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपको इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बता दूं। अगर आप इसे अपने फेस पे यूज कर रहे हैं तो आप इसे इस पैक को अपने फेस पे लगाइए ब्रश की मदद से या फिर हैंड की मदद से, और उसके बाद 15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहने दीजिए। आपको कोई स्क्रब नहीं करना, कोई मसाज नहीं करना, सिर्फ इसे लगाना है और 15 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। आप देखेंगे आपके फेस की जो टैनिंग है एक बार के अंदर ही काफ़ी हद तक चली जाएगी। ये ऐसा पैक है, आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। गर्मी चल रही है, टैनिंग हर किसी को हो जाता है, हर कोई बाहर निकलता है, अगर नहीं भी निकलता तो भी घर में भी उन्हें टैनिंग हो जाता है, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे अपने हाथों पे, पैरों पे या फिर गर्दन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। आपको लेना है फिंगर की मदद से इस तरीके से इस पेस्ट को लेना है और अपने हैंड पे इस तरीके से मसाज करनी है। जहां तक भी आपकी टैनिंग है आपको वहां तक इसकी मसाज करनी है अच्छे तरीके से, और ये मसाज कम से कम 10 मिनट तक आपको जरूर करनी है। इस मसाज से क्या होगा कि जो आपकी हैंड पे टैनिंग है वो एकदम ही दूर हो जाएगी। आपको इस मसाज के लिए 10 मिनट तो जरूर देने हैं और आपको इसका रिजल्ट इंस्टेंट ही देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा पैक है, आप इसे घर में बना के ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब 10 मिनट हो जाए तो आपको करना क्या है, हल्का गुनगुना पानी लेना है और उससे अपने हैंड को वॉश करना है। वॉश करने के बाद टॉवल की मदद से इसे पोंछ लेना है। उसके बाद लेना है आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगा के आपको इस तरीके से मसाज करते हुए उसे लगा लेना है अच्छी तरीके से, जब तक एलोवेरा जेल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपकी जो टैनिंग है एक बार के इस्तेमाल से ही
बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आप इसका यूज़ रोज़ाना करना, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखना जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टैनिंग थी, जो आपके हैंड काफ़ी काले पड़ चुके थे या फिर पैर काफ़ी काले पड़ चुके थे, एक हफ्ते में वो काफ़ी अच्छे साफ हो जाएंगे, काफ़ी फेयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।